हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्च टेक्निक। तो पहले हम बात करते हैं कि सर्च टेक्निक होते कौन से हैं और इसमें हमारे पास कितने टाइप्स मिल जाते हैं। तो सर्च टेक्निक इज़ अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट और एरे और एनी सॉर्ट ऑफ डेटा। तो किसी डेटा में से कुछ वैल्यू को फाइंड करना, उसको हम बोलते हैं सर्च टेक्निक। इफ़ द एलिमेंट इज़ प्रेजेंट देन द सर्च इज़ सक्सेसफुल, एल्स अनसक्सेसफुल। अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो जो हमारा सर्च टेक्निक है वो सक्सेसफुल होता है, एल्स वो अनसक्सेसफुल होता है। तो आज हम देखेंगे कि लीनियर सर्च के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्च टेक्निक। तो हमारे पास दो टाइप की होती हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो अब हम देखते हैं लीनियर सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लीनियर सर्च इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। इसको सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम भी कहते हैं बिकॉज मान लो मेरे पास डाटा है ऐसे 10, 20, 30। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, तो लीनियर सर्च में क्या होगा, हम एक एक करके सब एलिमेंट की तरफ जाएंगे एंड फिर चेक करेंगे कि जो मेरे पास सर्च का जो एलिमेंट है, मान लो मेरे पास 20 है, वो क्या इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसका लोकेशन हमें दे दो, अगर नहीं है देन गो टू द नेक्स्ट। क्या जो ये है वो इसके इक्वल है, तो यस ये इसके इक्वल है, तो ये हमको लोकेशन क्या देगा, 0 एंड 1। तो ये हमको 1 दे देगा, ठीक है। मान लो मैं 20 की जगह पे मैं 30 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो 20 इक्वल है नो, तो ये क्या करेगा, ये फिर इधर जाएगा, ठीक है, चेक करेगा कि क्या 30 30 के इक्वल है, देन येस तो ये उसकी लोकेशन दे देगा, ये दे देगा 2। हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, बट आप इसमें आप उसकी वैल्यू को जो शो कराना चाहते हो उसको +1 करके आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा है, मैं ये PPT का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपको पूरा नोट मिल जाएगा। इफ सिंपली हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक हम जाते हैं, पूरी लिस्ट घूमते हैं और चेक करते हैं कि क्या वैल्यू इसकी इक्वल है, अगर है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे। द वर्स्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस बिग ओ नोटेशन से हम डिनोट करते हैं वर्स्ट केस, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी BON। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ऑन करके रखा हुआ है और एक मैंने फाइल बनाई हुई है लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च फाइल बनाने से पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए, तो एक लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, इंट इनपुट एंटर नंबर, या ऐसे लिखते हैं एंटर लेंथ ऑफ लिस्ट। तो हमने n ले लिया, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर वैल्यू भी इनपुट करानी है। तो फोर आई इन रेंज n, n तक जाएगा, 0 से लेके n-1 तक जाएगा। एंड अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू ले लेते हैं int input, और यहाँ पर लेंगे हम f string and enter number। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास x आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले टाइम लूप चलेगी 0 टाइम, x की वैल्यू मैंने मान लो दे दी 10, x की वैल्यू मैंने 10 दे दी। फिर सेकेंड टाइम लूप चलेगी 1, 20, फिर लूप जितनी बार चलेगी n की वैल्यू मैंने मान लो मैंने 5 दी है, n=5, तो ये 5 बार चलेगी, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट टाइम जो लास्ट होती वैल्यू उसको ओमिट कर देता है, उसको नहीं लेता है। तो ये ऐसे इसकी वैल्यू चलेगी, मान लो यहाँ पर मैंने 30,
तो ऐसे हम वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको लिस्ट में अपेंड कर देते हैं। तो लिस्ट में अपेंड करने के लिए मेरे को एक लिस्ट भी चाहिए होगी, तो पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। एम्प्टी लिस्ट बनाई मैंने, एंड अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट में लिस्ट वन डॉट अपेंड एक्स की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। एंड मैं प्रिंट करा लेता हूँ लिस्ट वन। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। पाइथन और लीनियर सर्च, मेरे पास एंटर लेंथ ऑफ लिस्ट 3, 10, 20। एंटर दोस्तों, यहाँ पर देखना, जैसे हमने बात किया था एंटर 0th नंबर पे, 1th नंबर पे, 2th नंबर पे, ठीक है। एंड ये लिस्ट मेरे को शो करी है 10, 20 एंड 30। अगर मैं यहाँ पर ऐसा दूँ तो ये क्या करेगा, जैसे इसने, हमने मान लो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैंने 3 वैल्यू ली, तो अब आया एंटर फर्स्ट नंबर तो 10, सेकंड नंबर 20, थर्ड नंबर 30। तो ये लिस्ट मेरे को ऐसे दे रहा है। मेरे पास अब लिस्ट बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉर्टिंग टेक्निक लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने अपने पीपीटी में देखा था कि एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे हर एक एलिमेंट में। तो चलिए, 4 in लिस्ट वन के अंदर मैं ट्रैवर्स करूँगा, एक एक करके वैल्यू चेक करूँगा। जैसे यहाँ पर पहले 10 के पास जाऊँगा, फिर 20, फिर 30 के पास जाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ट्रैवर्स तो कर लिया है, बट अब हमें करना क्या है, हमें एक एलिमेंट चाहिए कि वो, हमें सर्च करना है कि वो उस लिस्ट में है कि नहीं है। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं पहले। एलिमेंट इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर यू वांट टू सर्च, तो ये वो नंबर मांगेगा जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इफ कि जो मेरा एलिमेंट है इक्वल इक्वल्स टू मेरे आई के इक्वल है कि नहीं है। अगर जो मेरा एलिमेंट आई के इक्वल है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो फाउंड, एल्स प्रिंट कर दो नोट फाउंड। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया है, बट यहाँ पर एक एरर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले हम आउटपुट ले लें कि क्या हमारा ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने रन किया इसको, मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, 10, 32, 20, 55 एंड 14। तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। मान लो मैं फाउंड करना चाहता हूँ 14th की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, और हमने जैसे यहाँ पर देखा था, इफ़ अगर है तो फाउंड करो, नहीं है तो एल्स करो, नहीं है तो ये, इसने नोट फाउंड किया, ये इक्वल नहीं है, नो, ये इसके इक्वल नहीं था, नो, ये भी नहीं था, नो, सिर्फ ये मिला 14 एंड उसने वहाँ पर फाइंड कर दिया। तो अब मान लो इसको कैसे हम टैकल करेंगे, तो अगर हम ब्रेक लगाएं तो क्या ये सोल्व हो जाएगा, तो वो भी हम करके देख लेते हैं कि ब्रेक लगाते हैं तो क्या सोल्व होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आंसर तो सीधा ना है, बिकॉज जब तक उसको ये वैल्यू नहीं आती, उसने ये नोट फाउंड हमको देना है। करके देख लेते हैं, 10, 20, 50, मान लो मेरे को चाहिए 40। तो इसने वैसे ही वैल्यू दी लास्ट में, जब तक नहीं मिला उसको, तो अभी नोट फाउंड आ रहा है। या तो हम यहाँ से इसको हटा दें, बट फिर एल्स कंडीशन नहीं आएगी। तो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, हम 4 के साथ भी एल्स लगा सकते हैं। 4 के साथ एल्स लगाएंगे एंड इसमें हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्रिंट नोट फाउंड, ठीक है दोस्तों। एंड चलिए अब हम रन करके देखते हैं। वैल्यू 5, 10, 20, 30, 40, 50 एंड मान लो मेरे को 40 चाहिए।
तो दोस्तों मेरा आंसर सोल्व हो गया है, 40 फाउंड हो गया, यानी 40 इस लिस्ट में है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, ये ब्रेक यहाँ पे क्या कर रहा है। तो चलिए अब हम ब्रेक को हटा के देख लेते हैं एंड फिर रन करते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैंने 5 ली एंड मान लो मेरे को तो ये 30। तो अब इसने क्या किया, हमने जो फोर लगाया, जो एल्स लगाया है वो इफ के साथ नहीं लगाया, हमने फोर के साथ लगाया। फर्स्ट आइटरेशन में गया वो, उसको वैल्यू मिली, ठीक है। बट जब उसको नहीं मिली, जो उसकी वैल्यू जो मिल रही है वो तो ठीक है, बट उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद की वैल्यू देखी, उसके बाद की वैल्यू है, ठीक है। एंड देन उसने क्या कर दिया, उसने नोट फाउंड दे दिया कि एक वैल्यू मिली, बाकी उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, इसलिए उसने एक नोट फाउंड भी दिया है। अगर सारी कंडीशन ट्रू होती तो उसने फाउंड देना था, नोट फाउंड नहीं आना था, बट इसमें ओनली एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए उसने बाकी कंडीशंस के लिए नोट फाउंड दिया है। इसलिए यहाँ पर जैसे उसको कंडीशन ट्रू मिल गई, यहाँ पर ब्रेक लगा दो एंड आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो चलिए जैसे हमने देख लिया था हमारा रन कर रहा है ये, मेरे को चाहिए 5 वैल्यू, 10, 20, मेरे को चाहिए 30 नोट फाउंड। अब मान लो मेरे को चाहिए कि मेरे को उसकी लोकेशन भी चाहिए कि वो कौन सी लोकेशन पे पड़ा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं उसके लेंथ फाइंड करूँगा, लेंथ ऑफ L1, लेंथ ऑफ L1। बट लेंथ ऑफ L1 क्या करेगा, ये सिर्फ एक वैल्यू देगा एंड फिर ये आइट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे को यहाँ पे चाहिए रेंज, मेरे को रेंज देना पड़ेगा ताकि जितनी लेंथ है उतने तक ये आइट्रेट करे एंड फिर ये उसको सर्च करे, ठीक है। एंड जो हमने ये आई लिया है, हम लेंगे List1, List1 के अंदर जो आइट्रेशन चल रही है उसकी वैल्यू को चेक करो, और यहाँ पे हम लगाएंगे एफ स्ट्रिंग फाउंड एट लोकेशन i+1। तो चलिए रन करके देख लेते हैं, 5 मेरे को चाहिए 50। तो फाइंड एट लोकेशन, यहाँ पर हमने 3 पे 50 डाली थी एंड फाउंड एट लोकेशन 3। तो दोस्तों हमारा ये वर्क कर रहा है, हमारा लीनियर सर्च बन चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे जहाँ पर हम सीखेंगे पाइथन, जेंगो, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI एंड मैनी मोर थिंग्स। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।